हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निबोश और ADIS में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि निबोश यानी कि क्या होता है। निबोश यानी कि नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, और ADIS यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। निबोश जो है वो एक UK बेस्ड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन बोर्ड है, और ADIS जो है वो आप स्टेट बोर्ड टेक्निकल एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हो। निबोश जो है वो कोई भी कर सकता है, उसका क्राइटेरिया दिया नहीं है। लेकिन जिन्होंने 10वीं पास किया हो या फिर 12वीं पास किया हो और उनकी इंग्लिश अगर अच्छी हो तो ये निबोश कोर्स कर सकते हैं। लेकिन ADIS में ऐसा नहीं है। ADIS का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें कोई भी साइंस ग्रेजुएट, जैसे कि मेडिकल साइंस में अगर किसी ने ग्रेजुएट किया हो, या फिर किसी भी इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, या फिर फायर सर्विस इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो, तो इस क्राइटेरिया में जो भी लोग बैठते हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो होता है कि उसमें 10 डेज की ट्रेनिंग होती है और एक दिन एग्जाम होता है। इसमें अभी एक ही थ्योरी का पेपर होता है, वो है IGC 1, और दूसरा जो है वो आपका क्लोजिंग इंटरव्यू होता है, और फिर उसके बाद आपको ये प्रैक्टिकल जो असेसमेंट होती है वो आपको सबमिट करना होता है। और ADIS का जो डिप्लोमा है वो 1 साल का होता है। इसमें 8 थ्योरी के पेपर होते हैं और एक प्रोजेक्ट सबमिशन होता है। अब बात करते हैं इनके फीस की। तो निबोश का जो कोर्स है वो जब मैंने किया था तब मुझे 45,000 जो है इसके लिए खर्चा आया था। तो इसलिए आप मान सकते हो कि इसकी जो फीस रहेगी वो 40,000 से 50,000 के बीच में हो सकती है। और ADIS की जो फीस है जब मैंने किया था तब 10,000 लगी थी, लेकिन अभी जो है वो बढ़ गई है। यानी कि आप जो है वो कंसिडर कर सकते हो कि 10,000 से 30,000 के बीच में इसकी फीस हो सकती है। और ये भी जो है वो डिपेंड होता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। मतलब अगर आप CLI के थ्रू ADIS का कोर्स करते हो तो उसकी जो फीस है वो मैक्सिमम 10,000 है, लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड से करते हो तो इसकी जो फीस है वो ज्यादा हो सकती है। और अगर हम निबोश के रिजल्ट की बात करें तो उसका जो रिजल्ट है वो 2.5 महीने से 3 महीने के अंदर जो है वो लग जाता है, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बाय मेल प्रोवाइड की जाती है। और ADIS का जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम आपको 2 महीने के अंदर पता चल जाता है, और इसका जो रिजल्ट है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। निबोश के एडमिशन के लिए बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहां पर आप जो है इजिली आपको सीट अवेलेबिलिटी मिल जाती है, मतलब आप जो है इजिली एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ADIS में ऐसा नहीं है, क्योंकि ADIS की जो सीट अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। मतलब अगर वहां की सीट अगर फुल हो गई तो आपको जो है एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि निबोश IGC सर्टिफिकेट और ADIS का जो डिप्लोमा है वो किसने करना चाहिए। तो दोस्तों, जो पर्संस इंडिया के बाहर काम करना चाहते हैं तो उन्होंने निबोश IGC कोर्स करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाहर की ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो निबोश IGC कोर्स ही मांगती है, और उसके बेसिस पर ही कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है। और अगर हम ADIS की बात करें तो अगर आपको इंडिया में अगर जॉब करना है वो भी अच्छी कंपनी में, तो उसके लिए आपके पास ADIS होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि निबोश और ADIS में क्या डिफरेंस होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।